हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में फिर से एक बार वेलकम है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कीबोर्ड से कैसे आप सिलेक्शन करें किसी भी वर्ड को, या माउस से कैसे सेलेक्ट करें, या आपका कीबोर्ड में जो होम बटन होता है उसका क्या यूज़ है, एंड बटन है उसका क्या यूज़ है, पेज अप पेज डाउन बटन का क्या यूज़ है, और शिफ्ट के साथ होम और एंड का क्या, तो ये तमाम चीज़ें आप जानने के लिए चलिए पहले वर्ड खोलते हैं। वर्ड खोलने के लिए आप यहाँ से देखिए, आपके सामने ये वर्ड आ गया। अब इस वर्ड में देखिए, सबसे पहला काम, आप अगर माउस से किसी वर्ड पर, किसी एक वर्ड पर डबल क्लिक करते हैं तो ये वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। किसी एक वर्ड पर आपने डबल क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसी पे इसको ऐसे माउस से खिसकाते हैं, मूव करते हैं राइट साइड, तो राइट सेलेक्ट होगा, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट सेलेक्ट होगा। और इसी तरीके से अगर किसी पैराग्राफ में आप कंट्रोल के साथ किसी भी पैराग्राफ में क्लिक करते हैं तो वो पैराग्राफ आपका, वो पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा ना, यहाँ सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इस पर डबल क्लिक किया तो वर्ड हुआ, लेकिन अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर ट्रिपल क्लिक से माउस के ये पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा सिलेक्शन का ये तो माउस से हो गया कि आपने माउस बटन दबाए हुए सेलेक्ट किया। उसके अलावा आपका क्या है कि अगर आपने जहाँ भी आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाकर आप राइट क्लिक, होम बटन एक कीबोर्ड में आपको मिलेगा, होम बटन और एंड बटन, तो आपने एंड दबाया तो एंड तक सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कहीं भी आपने क्लिक किया, बीच में आपने क्लिक किया और लास्ट तक आप करना है तो यहाँ से आपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाया और कीबोर्ड का एंड बटन शिफ्ट दबाए हुए तो जहाँ तक लास्ट तक सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर आपने होम किया तो होम यानी स्टार्टिंग पोजीशन तक वो सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से आपने डायरेक्टली अगर होम किया तो कर्सर आपका जो है वो होम पोजीशन पे जाएगा, और एंड बटन दबाएंगे तो कर्सर आपका लाइन के एंड पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपने कीबोर्ड होम और एंड के नीचे जो आपकी एरोज की होती हैं, जिससे आप राइट और लेफ्ट अप डाउन एरोज होती हैं, उससे अगर आप लेफ्ट एरो करते हैं तो ये कर्सर आपका लेफ्ट साइड मूव करेगा, और राइट करते हैं तो आपका ये राइट साइड मूव करेगा। लेकिन अगर आपने होम दबाया तो होम में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आपने कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो दबाएंगे तो ये एक एक वर्ड, अभी देखिए मैं बगैर कंट्रोल के साथ कर रहा हूँ तो एक एक कैरेक्टर मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर मूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपने शिफ्ट भी दबा लोगे तो आप शिफ्ट के साथ करोगे तो एक एक वर्ड आपका पूरा एक एक वर्ड सेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने डायरेक्टली शिफ्ट दबा लिया और राइट एरो करेंगे तो राइट साइड सेलेक्ट होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड सेलेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आपने कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबा लिया तो पूरा जो है कंट्रोल शिफ्ट दबाकर एंड दबा दिया तो पूरा आपका एंड तक यानी जितना भी पन्ना है उतना सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसी की तरह कंट्रोल शिफ्ट दबाकर डाउन एरो दबाएंगे तो पूरा पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये पैराग्राफ में अगर आपको लाइन स्पेसिंग, ये पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस करना है, दो पैराग्राफ्स हैं इसके बीच में स्पेस करना है, तो आप यहाँ पर इस पोजीशन पे आप जाएं और यहाँ पर आपको मिलेगा ये लाइन स्पेसिंग। यहाँ से अगर आप लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करते हैं, ये पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग किया तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ्स के बीच में ये स्पेस हो गया। ठीक है, और इसी को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और पैराग्राफ के अगर बिफोर करते हैं तो पैराग्राफ के शुरू में स्पेस होगा, और अगर रिमूव करते हैं तो रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप लाइन के बीच में स्पेस चाहते हैं तो लाइन के बीच में स्पेस आप कर सकते हैं, और रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं स्पेसेस, और रिमूव कर सकते हैं, सिंगल आप स्पेस रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं ईजिली तरीके से। मेन चीज़ है ये सेलेक्ट करना। अच्छा, अब माउस से आप सेलेक्ट करना ऐसे जानते ही, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, पेज डाउन अप, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें। कुछ चीज़ें इसकी मैं स्लिप और दूंगा, डिटेल में दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आगे चलने वीडियो का इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का। अभी जितना मैंने बताया उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ का है, अक्सर करके लोग इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट रहती है। ठीक है, और कंट्रोल ए करने से क्या होता है, पूरा डॉक्यूमेंट चाहे जितना भी वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी, और अगर ये सही लगा हो तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा वीडियो अगर लगा भाई आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों से कराएं। और ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू एंड बाय। ओके।